जी, मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हूँ। रूम नंबर 303 का ऑर्डर था सर। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी उसके हाथ में काली थैली को देखकर समझ गया था कि उसमें क्या था, और वो मंद ही मंद मुस्काते हुए बोला, थर्ड फ्लोर पर है, लिफ्ट से चले जाओ, रेनकोट यहीं उतार देना। जैसा उस आदमी ने कहा, लकी ने ठीक वैसा ही किया, और लिफ्ट में चढ़ने के कुछ ही देर बाद वो तीसरे माले पर पहुंच गया था। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं चमन मेडिकल स्टोर से लकी, ये आपका। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपने सामने जो देखा, उसके बाद उसे ऐसा लगा कि बंद छत के नीचे भी उसके ऊपर आसमान से आकर एक जोरदार बिजली गिर गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ही थी। उसने एक पर्पल कलर का नाइट गाउन पहन रखा था। उसके काले घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधे पर फैला रखा था। उसकी खुशबू से ही ये